जबान लगे। ये जार है कॉफ़ी मेकर का, इसमें यहाँ पे दो सेटिंग्स दिया है कॉफ़ी के। अगर आपको कैपेचिनो चाहिए तो ये सेटिंग को आपको आगे करना है तो कैपेचिनो बन जाएगी, और कैफे सेट आपको चाहिए तो कैफे सेट आप चलो पीछे करोगे तो कैफे सेट बन जाएगी। ये सेटिंग्स दिया हुआ है, ओके। इसको आप खोल सकते हो, इसको प्रेशर भी कर सकते हो, मतलब सर्विस फ्लैश आउट करना है तो भी कर सकते हो। प्रेस कर भी हो क्लीन करने के लिए। ओके, इसके साथ में दो रेलिंग आएगी, इसमें लेफ्ट एंड राइट दो रेलिंग है। ये वाली जो है राइट साइड की होगी और ये कॉफ़ी मेकर इस पर बैठेगा, सॉरी ये लेफ्ट साइड की है, कॉफ़ी मेकर इस पर बैठेगा ताकि जब भी कॉफ़ी मेकर आप आगे लोगे तो ये स्लाइडिंग होगी। ओके सर, मतलब ये प्रॉपरली ब्रिक फिक्स नहीं बैठेगा, कॉमन नहीं। ये रेलिंग होगी, क्यों रेलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बीन्स डालने के लिए, फिल्टर कॉफी डालने के लिए सब सेटिंग्स दिया हुआ है, ये पाउडर डालने के लिए। ओके, स्पून भी यहाँ पे है, उनके थ्रू आप उसको पाउडर को कितना पाउडर डालना पड़ता है रिक्वायरमेंट असेल ना तसं। समजा तुला चांगली आवडली तू दोन भाकरी ते राईट साईडचे एक कसा वाटा बस एक ही लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। तो ये जो है मतलब नीचे भी उसको गैप चाहिए? नहीं, ये यहाँ पर इस पे लग जाएगा आपका जो भी फर्नीचर बना हुआ है। अगर कुछ पैकिंग की जरूरत है तो ये पैकिंग दिया हुआ है, 10 mm का पैकिंग है। ये कहाँ? इधर साइड में लगा, साइड में लगा, साइड में लगाना। चार है इसमें, अगर आपको इधर रिक्वायरमेंट है इधर इधर है तो उधर। इसका मतलब कैबिनेट इसके हिसाब से ये मतलब दोनों चैनल पे रेस्ट होती है। हां, और नीचे से रेस्ट होगा, ये फिटिंग करना पड़ेगा। ये बोल दिया भाई, वो तो ये चैनल स्लाइड करके नीचे से कर सकते, बाहर निकल के ये विंतिला बसा होगा। हां, ये अलग है, नहीं नहीं मतलब अपना जो स्क्रू रहता ना भाई विद कनेक्टर है, जैसे टीवी वगैरह में होता है आप अंदर डाल देते हैं। ओके, एडाप्टर ठीक है। ये पावर कॉर्ड वायर है, ये दो माइनस वाला प्लग पॉइंट है तो माइनस वाला प्लग सॉकेट लगा सकते हो, अपना इंडिया में लगता है वाला, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। इसको काटना अर्थिंग नहीं, इसमें अर्थिंग ये लग जाएगा, बैठ जाएगा उसके अंदर आराम से। सुने हो ना, वो बैलोज है उसको चालू थोड़ा चल रहा है, लिक्विड चल रहा है। ये किस लिए पाउडर है? ये क्लीन करने के लिए, क्लीनर है ये। कितने मिनट का? 1 घंटा 20 मिनट का प्रोग्राम है क्लीनिंग का। 1 घंटा 20 मिनट मतलब 80 सेकंड, 80 मिनट ठीक है। उसके अंदर 4 बार कंटेनर भरना पड़ेगा पानी वाला, 20 मिनट का। ये वाला जो कंटेनर है ना, 20 मिनट का एक प्रोग्राम ऐसे समझते हैं। ये कंटेनर है, हाँ ओके, पानी भरना पड़ेगा इसमें, 4 बार पानी भरना पड़ेगा। ओके ठीक है। और ये लिक्विड कितनी बार डालना पड़ेगा? एक ही बार पूरा ही डालना है, एक ही पूरा डालना है वन टाइम के लिए। हाँ, इसमें डालना है, पहले वाटर डालना है फिर इसको डालना है, सिर्फ वन टाइम के लिए। वन टाइम, अच्छा। ये कितने दिन के बाद करना है इसको? अगर खाली करने के लिए बाहर ही निकलना पड़ेगा। हाँ, ये खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ये पानी भर दिया आपने, यहाँ पर ऐसे इसको लगा दिया, ये लग गए। ओके, फिर पानी डालना अगर क्लीन कर रहे हो तो। हाँ, इसमें 4 बार पानी डालना पड़ेगा क्लीन कर रहे हो तो। डिटर्जेंट तो एक बार वन टाइम में हो गया। नहीं, तीन बार। थामा, ये होगा इस राइट, स्विच ऑन किया चालू नहीं होगा, ठीक है सर, घबराना नहीं है, नो टेंशन। इसमें एक स्विच यहाँ पे दिया है ऑन ऑफ का पावर स्विच, और एक स्विच यहाँ पे दिया है, समझ गए सर। अब ये स्विच हम दबा के देखेंगे, नहीं हुआ तो यहाँ से बंद होगा। किधर इसका स्विच? ये ऑन कर रहा है, हुआ ओके, घबराना नहीं है, प्रोडक्ट खराब नहीं है। नहीं, बराबर है। ये वो सारा जो फ्रिज में भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, अभी जो बता रहे ना उससे कुछ ना कुछ तो है उसमें।
मतलब हम डर जाते हैं, अरे प्रो चालू नहीं हुआ, प्लग पॉइंट चेक किया, वायर चेक किया, एवरीथिंग आपके तरफ से, आपने घर चलो बंद चलो बंद चलो नहीं कर सकते हो। तो हमने ये यहाँ से ये अभी पूरा दीवार में लगने के बाद, कवर लगने के बाद में यहाँ पे दिया है। और कभी मान लो आपको किधर बाहर भी जाना है तो वहाँ से भी आप ऑफ कर सकते हो, यानी कि इसमें टोटल 3 स्विच हो गए, 1, 2, 3 सेफ्टी के लिए। तो घबराना नहीं है कि इंस्टॉल करते हो चालू क्यों नहीं हो, जैसे अभी एग्जाम्पल हुआ, इज वेरी गुड कि एग्जाम्पल लाइव हो गया, तो आप यहाँ पे भी स्विच ऑन कर सकते हो, एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वाइट वाला स्विच है, ओके सर, गुड। यहाँ पे डिस्प्ले दिया हुआ है पूरा, अभी ऑलरेडी मैंने इसका एक वीडियो भेजा हुआ है विजय सर को, ये कैसे ओपन करना है। ये आपको क्या होगा, जब भी आपने कॉफ़ी का कुछ भी कप रखा यहाँ पे, कॉफ़ी हटा दिया, तो एंडिंग का ड्रॉप्स जो है यहाँ पे गिरेगा, और यहाँ पे गिरने से क्या होगा, वो जमा होगा, पानी जमा होगा, तो अंदर एक लाल कलर का इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर पानी की वजह से ऊपर 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 आते रहेगा, ओके सर। तो इसको आपको निकालने के लिए आपको मैंने एक वीडियो भेजा ना सर, ठीक है, और जो आप कॉफी यूज कर रहे हैं वो वेस्टेज कॉफी जो है वो डब्बा इसमें जमा होगा, तो ये आप निकाल के डस्टबिन में खाली भी कर सकते हो, और वॉश करके फिर से आप इसको स्टोर कर सकते हो, ओके। जो वेस्टेज कॉफी है वो यहाँ पे जमा है, हमने चाय पत्ते वगैरह बनाते ना तो चाय पत्ते का वेस्टेज होता है। ये डोर आपने ओपन कर दिया, ये रहा मेन स्पाउट जहाँ से कॉफ़ी बनती है, विच इज़ वेरी डेलिकेट पार्ट। आपको इसको खोलने के लिए ये जो लाल कलर के आपको जो लॉक दिया हुआ है इसको आपको प्रेस करना है एंड जस्ट पुल, ओके। और इसको क्लीनिंग के लिए आपको स्मूथली ब्रश यूज़ करना पड़ेगा, ये पूरा साफ करने के लिए, आपको पूरा काफ़ी जाम हो जाता है, तो ये सर्विसिंग है पूरा साफ करके, ये पूरा आपको नोजल बन के वापस इसको, बोलो 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 सर, इसको खोल के क्लीन करना है या वैसे ऊपर से क्लीन करना है? नहीं, ये खेल निकलेगा पूरा, इसको खोलना नहीं है, खोलना नहीं है, क्योंकि आपका जो भी कॉफ़ी वगैरह इसमें गिरेगा तो आप कपड़े से या अच्छा सा स्मूथली बर्फ, जो ब्रश होता है ना पतला ब्रश वगैरह, एक ब्रश आता है इतना लंबा से, वो आप इसको साफ कर सकते हो अच्छे से सर्विसिंग वगैरह के, और फिटिंग के लिए भी सेम, पुश करना है, पुल करना है, डोर ओपन करना है एंड जस्ट इसको आपको अंदर दबा के लॉक कर देना है, ठीक है सर जी। सर तो खेलने के लिए वापस ऐसा फिटिंग के लिए दबा के रखना है आपको लॉक, जब तक वो फिटिंग ना हो तब, ये आपने इसको रख दिया देन रिलीज, ये बहुत डेलिकेट पार्ट है तो आपको बहुत संभाल कर करना है, अगर आप कस्टमर का कोई जानकार है उसको भी बोल सकते हो, अगर आपको जमता है तो करो, सर्वेंट के हाथ में मत दो, लेकिन 90% आपको ही करना है। उसके बाद ये जो आप रखोगे ये पर्टिकुलर, ये भी ओपन होता है, ओके ओके। तो इसमें जो पानी गिरेगा वो भी आप साफ कर सकते हो, और जो मैंने आपको बताया है जो पानी की वजह से ये लॉक ऊपर 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 आते रहेगा, फुटबॉल की तरह काम करते हैं, हाँ, तो इसका मतलब भी ऊपर आ गया, इसका मतलब ट्रे भर गया, तो अगर उसको पानी खाली कर दिए तो वापस ये डाउन हो जाएगा वाटर लेवल, ये सब सर्विसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, वेस्टेड वाटर का है क्या? हाँ ये वेस्टेड वाटर है, ये ऊपर आने से बंद नहीं होगा, ये आपको इंडिकेटर बता रहे ट्रे ओवरफ्लो हो जाएगा, ट्रे में ही पानी आएगा ना, इसका कौन सा ट्रे, यही ट्रे में इसमें ही गिरेगा ना सर, आपने अगर ये निकाल दिया कौन सा ग्लास निकाल दिया पानी, अब कॉफी बनाने पानी तो लगेगा, तो पानी के लिए जार इधर, ये पानी का जार, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवल करके लिखा हुआ है कितना तक वाटर लेवल आपको भरना है, आर ओ वाटर नॉट एन नॉर्मल वाटर, ओनली फॉर आर ओ वाटर, तो ये आपको यहाँ तक भर के ये आपको फिर से फिट करना है, अगर ये जार पानी ख़त्म होता है यहाँ पे सीधा इंडिकेट कर देगा प्लीज़ फिल जार करके,
तो ये भी आपको करना है, लेकिन नॉर्मल वाटर मत डालना, आरो वाटर डालोगे तो वाली का टेस्ट आएगा और यूजेबल अच्छा रहेगा। समझ गए सर? एनी डाउट्स? नॉर्मल मिल्क यूज़ नहीं करना है इसमें, आपको क्रीमी मिल्क या मराठी में बोलते हम टोंड मिल्क, टोंड मिल्क लिख के ले लो। इसमें आ गया ना वीडियो में, डिलीट हो गया तो सर, सर रहते लैंग्वेज चेंज करना है, राउंड शेप में सब खड़े हो गए थे तो सबको थोड़ा सा उनको भी हवा आने दो, ये चेंज होगा लैंग्वेज। अब इंग्लिश आएगा तो आपको यहाँ पे ओके करना है, पहली बार ही आएगा वो, जब इंस्टॉल करोगे ना जब ही आएगा। सारे देश के लिए इंटरनेशनल ये ब्रांड है, नेशनल के लिए नहीं है, तो लैंग्वेज हर लैंग्वेज में आएगा। अगर लैंग्वेज आपने गाए गाए में ओके कर दिया तो वही सेट हो जाएगा। अरे सर चेंज कर सकते सेटिंग में जाके, लेकिन समझ में आना चाहिए ना सेटिंग मतलब क्या। चाइना में लिखा रहे कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ पे अभी आते रहेगा, देखो जी आपको समझ में आ रहा है अभी लैंग्वेज कुछ? हाँ, तो अब इंग्लिश भी आएगा तो आपको यहाँ पे ओके करना है। आ गया? यस ओके ओके डन। ले ऊपर दीजिए सर, फिर चलो ऐसे नीचे से ऊपर दीजिए बस। हो गया सर? जब इंग्लिश आता है 3 सेकंड प्रेस एंड होल्ड, तब लिख के आएगा इंग्लिश इंस्टॉल्ड। देखा आपने? अब क्या मंग रहा है? फिल लिखा है ना सर? फिल लिखा है, पानी तो भरा ही नहीं, फुल कैसा होगा? तो फिल टैंक मतलब कौन सा टैंक भरना है? वाटर टैंक। कौन सा? किधर है? अंदर है ना सर, तो वो आपको आरओ पानी मैक्सिमम लेवल तक भरना है। तो अपने पास आरओ पानी है, पानी तो है, कौन मिल है? अगर कॉफ़ी के बीज छोटे बड़े भी होते हैं तो आपको यहाँ से इसको सेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा सेटिंग करोगे तो बड़े हो जाएंगे, ऐसा सेटिंग करोगे तो छोटे हो जाएंगे। बीन्स कितने हैं, कैसे साइज के, वो आपको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। कितनी डाली टाइम में? एक टाइम में जो यूज़ होगा वही होगा, भर कर रखो, कोई इशू नहीं है। अच्छा बराबर ना दिया हुआ है, ओके सर। तो ये लगेगा यहाँ पे, ये स्पाउट निकलेगा, ये स्पाउट होता है, ये निकलेगा और ये जार लगेगा। जब स्पाउट को निकालते हो तो भी बीप साउंड आएगा, जब उसको रिफिट करते हो तो भी बीप साउंड आएगा, मतलब प्रॉपर बढ़िया, ठीक है सर? अभी मैं इसको निकालता हूँ, बीप साउंड आ गया, थोड़ा सा लंबा हो जाओ सर, ये बीप साउंड आ गया, वही बोला थोड़ा सा लंबा हो गया बीप। बराबर है सर, ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये आपने नाम के लिए बिठा दिया बीप साउंड नहीं आया तो काम नहीं करेगा। हर एक पार्ट का फीडबैक लेता है ये मशीन, तो इससे मैसेज आ जाएगा प्लीज फिक्स साउंड, तो इसको आपको प्रॉपरली फिट करना। निकालने के लिए जस्ट पुल, करेक्ट, फिटिंग रिमूव के लिए मतलब कोई लॉक नहीं है सर, पूरे लेवल तक। ये जार में लगा तो भी बीप साउंड आया, अगर मैं जार निकाला तो भी बीप साउंड आया, मतलब हर एक चीज का फीडबैक लेगा वो। ये कस्टमर को आपको चीज बताना है कि जब आप फील करते हो तो जस्ट वो बीप आना चाहिए, जब आप रिमूव करते हो तो भी बीप, तो ही परफेक्ट बैठा हो, तो ही परफेक्ट बैठा, राइट, ठीक है। हॉट वाटर, देखो जार भर गया, फटाक से उसका सिंगल दे दिया, अगला स्टेप ले लिया, ओके। तो इसका कप लाया, बहुत ही बड़ा लिखा है, ऊपर चला जाएगा, मतलब उसमें भी एडजस्टेबल, छोटा जार बड़ा जार।
स्टार्टिंग में खड़म खड़म खड़ा आवाज आता रहेगा, डोंट वरी आप लोग घबर जाओगे तो भी घबर जाएगा कस्टमर। किधर गिरा? ऐसे आवाज आते रहेगा आपको पता है। आप भाग मत जाइए, ये पक्का होने वाला थे, आपने नहीं बोला। अरे क्या हो गया, क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है। पानी किधर से आता रहेगा? पहले इस पीस पानी आएगा, हाँ फिर इधर से आएगा। रिंसिंग चल रहा है ना यहाँ पे, मतलब अपने वो कप को एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, अगर ये हॉट वाटर का अगर गिरे तो भी वो ट्रे में ही गिरेगा ना। अगर ये लेकिन ऊपर से एक मेरा सामने तो आएगा, आपने बता रहा है। अगर ये हॉट वाटर का बटन आप प्रेस कर रहे हो तो पानी इसी के अंदर आएगा, इधर नहीं आएगा। अगर कॉफी निकल रहा है तो इसके अंदर ही आएगा। ये खाली पानी के लिए, कॉफी के लिए, और ये फोमिंग के लिए है। फ्रॉग आता ना कॉफी के, ये आ गया। आपको कौन सा कप बनाना है? अब यहाँ पे आपको चॉइस पूछ रहा है, मीडियम कप चाहिए? ओके यहाँ से देना है सर। एक बार ऐसे यहाँ से बीन्स का टेस्ट होगा। स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग चाहिए, ग्राउंड मतलब वो पाउडर जो आपने डाला था ना यहाँ पे, ये अभी नहीं डालना है सर। ग्राउंड कॉफी का माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का सा माइल्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड आपको चाहिए, स्टैंडर्ड है कि अब जैसे साउथ इंडियन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते, नॉर्मल इंसान है वो माइल्ड पी लेता है, ठीक है। जिसको आपको ओके करना है, कप चॉइस करना, कप चॉइस एक दो कप, दो कप का दिया इसको, अभी नहीं आएगा, बेस नहीं है। सिंगल कप, डबल कप, दो जन बैठे तो दो कप का निकलेगा, अकेला आदमी पीना है तो एक कप के लिए पी सकते हैं, चार लोगों के लिए डबल पिलाऊं। फिल बीन्स कंटेनर, बीन्स नहीं है अपने पास, हर एक चीज का वो फीडबैक आपको देते रहेगा। आपको ऐसा नहीं क्या मतलब नेगेटिव के हाँ भाई कुछ नहीं है बन जाएगा, इसी के अंदर से इसको लगाना है, इसमें दूध भरना है, अगर इस बटन को प्रेस करोगे तो दूध निकलेगा। दूध कौन सा, लेकिन आपने रेगुलर वाला क्या तुम्हारा, ये जो टोंड मिल्क दूध लगाने की तरह। देखो मैंने अभी तक जितने भी कॉफी इंस्टॉलेशन किए हैं तो मैंने तो अभी तक जितने भी अपने पानी जो डाला है, दूध डाला है, अमूल दूध ही डाला है और अमूल दूध में ही बनाया है। लो सर गर्म पानी, और ये दूध निकाल कुछ ड्रॉप करते करते वो फंस जाता है, तो हम सर्विसिंग कर सकते हैं। ये इसे निकाल देना, स्पाउट निकालना है, तो बंद है, एक मिनट चालू है, पानी आ जाएगा इसमें। तो पहले दूध इसके अंदर भर देना है, हाँ दूध तो भरना पड़ेगा, पहले भर देना है, बाद में इसको। अभी देखो दूध के अंदर अगर फॉर्मिंग चाहिए आपको कॉफी के अंदर, तो ये बटन प्रेस करोगे तो यहाँ से एक फोमिंग निकलेगा दूध का, ओके ठीक है, जो कॉफी को ज़्यादा कैपेचिनो बनाएगी। अभी इसके अंदर जो भी मतलब रहेगा, जो दाना आ गया होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्लीनिंग के लिए, ठीक है, पाइप टू क्लीन। तो आपको इस बटन को प्रेस करना है, ठीक है, आया छोड़ देना, ठीक है, तो ये पाइप पूरा क्लीन हो जाएगा। कभी कभी दूध के रह जाता ना ठिक्स वगैरह, तो अभी ये जार लगा के अभी सर्विसिंग जरूरी है, उसमें एरर कोड आएगा कुछ पीसीबी में, अगर कुछ प्रॉब्लम है। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं, मेरे को चार साल हो गए काम करते करते वर्लपूल के छत में, कभी इसमें सर्किट जाता है ना फ्यूज जाता है, कोई प्रॉब्लम। अगर इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ तो आपका वायरिंग, जो पीछे वाला पावर बोर्ड है और सामने जो पावर बोर्ड है,
वो अगर एकदम एकदम क्लियर है तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके मैकेनिकल।